तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या है कि एक वर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, कुछ ऐसे है। देखिए कुछ शंकु है, शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे, इसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है। शंकु है, इसका ऊपर वाला भाग क्या है, खुला है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक ऐसे पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती है, शंकु है, शंकु के आकार का कोई बर्तन है, उस बर्तन में टोटल पानी भरा हुआ है। जब कुछ शीशे की गोली, जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कंचे जो खेलते हैं, उस गोली को जब इसमें डाली जाती है जिसकी त्रिज्या यानी गोली की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो पूरे पानी का एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि इस शंकु के अंदर जितना पानी है पूरा पानी से भरा हुआ। जैसे उसमें शीशे की गोली को डाली जाती है तो जितना आयतन है उस आयतन का एक चौथाई पानी बाहर निकल जाता है, गिर जाता है, ठीक ना, गिर जाती है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि आखिर उस शंकु के अंदर कितनी गोली डाली गई, उसकी संख्या हम लोग को बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या दिया, ये शंकु जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, देखिए आप इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोली की त्रिज्या दिया है, गोली जो इसमें हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये जो है ये क्या है, गोली है, इस गोली की जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन, ये पूरा शंकु का आयतन अपॉन एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक। अब ये 1/4 इसलिए लगा क्योंकि जब शंकु के अंदर शीशे की गोली को डाला जा रहा है तो जितना पानी है उस पानी का 1/4 एक चौथाई बाहर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पानी का एक चौथाई पानी गिर जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/4 जो आयतन है उस आयतन का एक चौथा भाग जो पानी है वो गिर जाता है, ठीक है। यानी कि सपोज करते हैं कि अगर मान लीजिए 100 लीटर है तो 100 लीटर का 25 लीटर गिर जाता है, 75 लीटर पानी जो है उसमें बचता है, ठीक है ना। 1/4 पता चल गया क्योंकि एक चौथाई पानी बाहर निकल गया, शंकु का आयतन अपन एक गोली का आयतन, तो 1/4, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक गोली, गोली किस आकार का होता है, गोला है, स्फीयर, तो स्फीयर जो होता है उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 1/4 1/3 रेडियस, शंकु का रेडियस कितना है, आप देखिए शंकु का रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 × इसकी हाइट ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लगा दिए, 4/3 आर कितना है, गोली का त्रिज्या कितना है 0.5, तो 0.5 0.5 0.5 तीन बार रख दिए, आर क्यूब चल रहा है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 4 से कटाए, 4 × 2 = 8 हो गया, ये 3 से 3 नीचे कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 5 × 5 यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, या ऊपर क्या बच गया है 2, अब यहाँ पे 4 × 4, और देखिए यहाँ पे पॉइंट को उड़ाए हैं तो 1, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 बैठाते जाएंगे, देखिए यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे 10, अब 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, यहाँ पे कैंसिल, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5 × 2 = 10, तो इस तरह से ये 25 × 2 यहाँ पे 4 हो गया, 1/2 1/2 1/2 यहाँ पे लिख दे, 1/2 1/2 1/2 हो गया, 2 × 2 = 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे 4 बच गया, तो यहाँ पे हो गया 25 × 2, पहले से था ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 100 हो गया, तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।